नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स, एलीट ऑर्थोपेडिक्स आईवी इन पारस हेल्थ के। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बॉलीवुड सॉन्ग याद आता है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तो दोस्तों, आज आप चाहे टीवी खोलिए, न्यूज़पेपर खोलिए, व्हाट्सएप देखिए, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाइए, एक ही चीज दिखती है और वो है कोरोना वायरस। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोरोना वायरस है क्या और क्या हम इससे लड़ सकते हैं और किस किस स्थिति पे हमारे लिए क्या गाइडलाइंस है। सो फ्रेंड्स, दिस डिजीज कोरोना वायरस इज एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल वॉर। इट्स एन एनिमी ऑफ द मैनकाइंड एंड कोविड इज द मेन एनिमी। वी एज डॉक्टर्स आर द फ्रंट लाइन रनर्स प्रिवेंटिंग द मिलिट्री अक्रॉस। सो आज विश्व भर में कोरोना के लगभग 1.5 मिलियन केसेस हो चुके हुए हैं, विद अमेरिका एज नाउ द एपिसेंटर, जहां पर इस समय हम देख रहे हैं लगभग 5 लाख केसेस इसके आ चुके हैं। इंडिया में भी हमारा कर्व इंक्रीज कर रहा है, बट स्टिल हमारे गवर्नमेंट की स्ट्रांग मैनेजमेंट होने की वजह से, लॉकडाउन आने से, वी स्टिल स्टैंड एट क्लोज टू 5,000 केसेस टूडे, विद मेजोरिटी ऑफ सेविंग्स ऑलरेडी अराउंड 150 डेथ्स। सो ये दोस्तों, ये बीमारी है क्या? तो इस बीमारी को कहते हैं कोविड-19। कोविड-19 इसलिए बिकॉज दिसंबर 2019 में चाइना में वुहान में इसका वर्ल्ड का फर्स्ट केस देखा गया था, और सोर्स समझते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ अ लाइव सी फूड एनिमल मार्केट, यानी कि जो इसकी एंट्री हुई हमारे अंदर वो थ्रू एनिमल टू ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट से हुई, और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी कि एक से दूसरे आदमी में वो चीज फैल रही है और बढ़ती जा रही है। ये इतना बढ़ना शुरू हो कि लगभग समझ लीजिए 11 मार्च के आसपास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, और 24 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्टे के बाद लॉकडाउन इन द कंट्री डिक्लेयर करा। अब इस सारे के अंदर ये जो बीमारी है कोविड-19, जो 2019 में स्टार्ट हुई थी, नाम कोविड है, और उसमें वायरस जो है उसका नाम है कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2 प्रिसाइज। ये तरीके का वायरस जो है, सेंटर में न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके आसपास एक फैट की लेयर है और उसके ऊपर प्रोटीन के क्राउन्स हैं। जो प्रोटीन्स के हैं वो क्राउन्स हैं, वो क्राउन शेप है, जिसे लैटिन में कोरोना बोलते हैं, और इसी वजह से इसका नाम इट स्टार्टेड ऑफ एज कोरोना वायरस। सार्स माने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बिकॉज ये जो वायरस है लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे बाकी बॉडी को डैमेज करता है। नोवल कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं बिकॉज एक न्यू टोटल स्ट्रेन है, जिसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता। इवन जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज इस समय, ये भी एक इवॉल्विंग साइंस है, जो कुछ चीजें शायद समय के साथ गलत प्रूफ हो सकती हैं। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के? साइंस एंड सिम्टम्स दोस्तों ये है कि एक इंसान को एक सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे फीवर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारा रनिंग नोज हुआ, हमारे गले में पेन हुई, थ्रोट पेन हुई, बढ़ते हुए हमारे इरिटेशन है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, टेस्ट सेंसेशन का जाना, बॉडी एक, माइल्जिया, जॉइंट पेन्स होना, कुछ केसेस में डायरिया, वॉमिटिंग आना, और बढ़ते बढ़ते ये स्टेज हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करती है, और एक्सट्रीम केसेस में ये निमोनिया या लंग फेलियर या डेथ भी कॉज कर सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जानते हुए, जैसे ही हम जानते हैं कि हम सब में से किसी में ये फीचर्स या हमारे किसी नेबरहुड में फीचर्स आ रहे हैं, फ्रेंडशिप में आ रहे हैं, फैमिली मेंबर में आ रहे हैं, तो वी विल इन्फॉर्म और स्पेशलिस्ट टू टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ थिंग्स। अब हम क्या इससे बच सकते हैं? द आंसर इज, आज की डेट में मेडिकल साइंस में इसके लिए कोई भी प्रोवन मेडिसिन या प्रोवन वैक्सीन तो नहीं है, बट एक चीज बहुत क्लियर है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में होता है, और इसका जो स्प्रेड है वो एरोसोल ट्रांसमिशन है, यानी कि मान लीजिए किसी एक इंसान को आज कोरोना वायरस पॉजिटिव है, वो छींकते हैं या स्पिटिंग करते हैं, तो उस दौरान पे वो वायरस जो है उसके 1 मीटर के दायरे के अंदर जो भी इंसान है, अगर वो उसको इनहेल करे तो उसे हो सकता है, यानी कि इसकी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन 5 फीट के अंदर अंदर है। तो यदि हम 1 मीटर के दायरे के दूर हैं तो हमें एटलीस्ट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का रिस्क नहीं है, लेकिन तब भी हमने देखा कि
सरफेस ट्रांसमिशन एक ऐसी चीज है जो उसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दे सकती है। सरफेस ट्रांसमिशन हमारी नाली की हमें हाथ छींक आती है और वो आसपास से किसी पेपर पे या टेबल पे हमारे वायरस जाता है, और वो वायरस वहां पर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक जिंदा रहता है, अलाइव रहता है। अब इस दौरान पे एक नया इंसान आता है जो उस वायरस को टच करता है, और उसके बाद वो अपने आईज में, नोज में या माउथ में, यानी कि जितनी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर अगर कहीं भी टच करेगा तो वो वायरस उस इंसान के अंदर आ सकता है। इफ आई स्पीक इन अ लेमन लैंग्वेज, अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो वायरस के कोई दौड़ने के लिए पाँव नहीं है, उसको एक ह्यूमन बॉडी चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, वो अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और वो ह्यूमन कैरियर हम उसको दें तब हम फंसते हैं। तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि अगर हम दूसरे इंसान से 1 मीटर का दायरा रखते हैं तो हमारे में वायरस डायरेक्ट ट्रांसमिशन के चांसेस काफी ड्रॉप हो जाते हैं। सेकेंड, हैंड हाइजीन। हमें ये मालूम है कि अगर हम हाथ मिलाते हैं किसी के साथ या सरफेस को टच करके अपने मुंह, नाक या कान, आंखों को टच करते हैं तो वायरस जाता है। इससे बचने के लिए जब भी मुंह को हाथ लगाने से पहले हम अपने हाथों को बार बार धोएं। अब धोने के लिए दो चीजें हैं, वन इज सोप एंड वाटर बाथ। रनिंग वाटर में सोप लगा के हम उसको रबिंग करते रहें एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। इसमें ऐसा माना जाता है कि वो एक फैट लेयर है, और वायरस की अगर हम 20 सेकेंड्स के लिए सोप एप्लीकेशन विद रनिंग वाटर करते हैं तो वायरस उस समय डेड हो जाएगा, उसकी फैट लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स विच शुड हैव एटलीस्ट 50 to 60% एल्कोहल लेवल्स, वो अगेन वायरस को मारने में, उसको डिवास्टेट करने में हेल्प करता है। सो प्रॉपर हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड थिंग इज हम इसके अंदर रेस्पिरेटरी एटिक्स, यानी कि कफिंग हम कर रहे हैं तो हम उस समय टिश्यू पेपर को लें या अपनी एल्बो को यूज करें और उस टिश्यू पेपर को बाद में डिस्ट्रॉय कर दें, हमारी प्रॉपर रेस्पिरेटरी हाइजीन जो है वो हमें मदद करती है। इसके अलावा हम एक, अगर मान लीजिए किसी इंसान है जो हमें मालूम है कि शायद पॉजिटिव हो सकता है, अब हम फैमिली मेंबर हैं या हेल्थ केयर वर्कर है, तो हमारे टिपिकली उसमें प्रोफाइल एक्सेस है कि हम उसमें मास्क या ग्लव्स या अपने हैंड हाइजीन को बहुत एक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं। सो एज ए ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सबसे पहले ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे ताकि ये वायरस उस समय एक नई ह्यूमन बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर सके। हम सब एक इंडिया में एक ग्रोइंग ग्राफ में है, यानी कि हम फेज 3 में एंटर कर गए हैं जहां पर इस वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन होती है, यानी कि समय पड़ने के साथ अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में वायरस मल्टीप्लाई करेगा पर रोज में। तो हम जितना अपना और अपने परिवार वालों का और अपने सगे संबंधियों का बचाव कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए सेफ पैरामीटर है। अब इस वायरस से बचने के लिए हम बहुत सारी साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आज भी अगर हमें कुछ चीज की प्रॉब्लम है तो वो है टेस्टिंग की। हमारे शायद इंडिया में लो केसेस इसलिए भी हैं बिकॉज हमारी टेस्टिंग एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन बहुत लो है। आज भी हम रैपिड टेस्टिंग किट्स का आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कुछ घंटों में हमें रिजल्ट्स दे सके, और अगर कोई इंसान पॉजिटिव है तो उसको हम क्वारंटाइन में लेके जा सके। तो दो टर्म्स हैं, एक है क्वारंटाइन और एक है आइसोलेशन, दोनों में बहुत अंतर है। हमें शक है कि शायद ये इंसान एक पॉजिटिव ना निकले, हम उसको एक इकोसिस्टम में, एक एनवायरनमेंट में अगले 14 दिन के लिए ब्लॉक करते हैं ताकि लोगों को वो ना मिल सके, उसे हम क्वारंटाइन कहते हैं। इफ ऑन द अदर हैंड समबडी इज पॉजिटिव, वो हमें पता है पॉजिटिव है, तो हम उसको मेडिकल एनवायरनमेंट में बाकी सब सिस्टम से बैरिकेड करते हैं और उसे हम आइसोलेशन कहते हैं। इस समय मेडिकल साइंस में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिस पे रिसर्च हो रही है, जैसे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, और ये सब मेडिसिन जो है उस प्रिवेंशन के लिए समझा जाता है कि जरूरी है। इसी दौरान पे अभी हमें क्लियर तो नहीं है कि आज के डेट में भी हम एनिमल ट्रांसमिशन ले सकते हैं या नहीं, पर यदि आपके पास पेट्स हैं, डॉग्स हैं और आप उस समय उनके फर को टच करते हैं तो मेक श्योर आप अपने हाथ हैंड हाइजीन, जैसे मैंने बताया, सोप एंड वाटर से और सैनिटाइजर से क्लीन करके उसको जरूर यूज करिए और अपने हैंड सिस्टम्स को प्रिवेंट करिए।
ये वायरस बहुत फास्ट पेज पे मल्टीप्लाई करता है और वायरस को बिगनिंग स्टेज पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब ये देख रहे हैं कि इन सब पैरामीटर्स पे वायरस की मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जा रही है और स्लो डाउन में सबसे इफेक्टिव कोई चीज़ है जो हमारे कंट्री ने वर्ल्ड का बिगेस्ट एफिशिएंट सोशल क्वारंटीन सिस्टम बिल्ड करा, सोशल डिस्टेंसिंग सिस्टम बिल्ड करा। हम सबको चाहिए कि हम लॉकडाउन में उस चीज़ की मदद करें, हम लॉकडाउन में उस चीज़ का हेल्प करें। इसी दौरान आप में से कुछ लोग जो सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि इस दौरान पे क्या हम आर्थराइटिस है आप उसमें सर्जरी कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा है कि हम इस समय हम इलेक्टिव सर्जरीज तो किसी की नहीं कर रहे हैं। सो डू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा केयर? देखिए ऐसा है, आर्थराइटिस दो तरह का होता है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि एज के साथ बढ़ने वाला आर्थराइटिस। इसके अंदर कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, कोरोना ज्यादा आ जाएगा। लिविंग एस्पेक्ट हम सब जानते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स हैं एडवांस्ड एज, रिस्क फैक्टर्स हैं लो इम्यूनिटी, यानी कि वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो डेथ रेट है वो उन लोगों में है जिनकी एज 60-65 से ऊपर थी। आर्थराइटिस भी एज वाले पेशेंट्स में है। तो अगर हम समझते हैं कि हम आर्थराइटिस के टिपिकल पेशेंट हैं जो 60-65 के एज ग्रुप से ऊपर की एज में हैं, तो डेफिनेटली हमें आर्थराइटिस की वजह से नहीं पर एज की वजह से कोरोना वायरस ज्यादा होने की संभावना है एंड वी नीड टू टेक ऑल स्पेशल केयर एंड प्रिकॉशंस जैसे आपको बताई गई। इस स्पेशल प्रिकॉशंस में ऑल्सो दो तीन चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। इसमें रेगुलर एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर प्रॉपर फूड हाइजीन, फूड रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूरी है, प्रॉपर हाइड्रेशन जरूरी है, प्रॉपर स्लीप साइकिल जरूरी है। आप अपना योगर्ट यानी कि दही और प्रोबायोटिक्स लीजिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रहे। हम हर वो चीज करेंगे जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी कि फाइटिंग कैपेसिटी स्ट्रांग रहती है। ये तो थी कहानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। दूसरा आर्थराइटिस होता है, उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया। अब गठिया की एक प्रॉब्लम होती है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी यानी फाइटिंग कैपेसिटी ऑलरेडी लो होती है। उसके अलावा हम जो उसके लिए मेडिसिन लेते हैं, कुछ विनोसुप्रेसेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी इम्यूनिटी को ड्रॉप करते हैं। तो गठिया वाले पेशेंट्स के अंदर कोरोना के लिए बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं। तो जो जो पेशेंट रूमेटॉइड के हैं वो ए अगर वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं ऑलरेडी तो अपने स्पेशलिस्ट को जरूर मिलिए। ऑल दो स्टेरॉइड्स आर नॉट वेरी गुड पर सडनली छोड़ने के नुकसान और ज्यादा होंगे, तो वो अपनी मेडिसिंस को उस फेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो अपने स्पेशलिस्ट से रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद उन डिजीज की मेडिसिन को उसके स्टेरॉइड्स की डोज को टेपर डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। अब उसमें कुछ ड्रग्स तो उल्टा कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिट निकली है जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, ये सब मेडिसिन जो गठिया के लिए दी जाती हैं, ये साथ ही साथ में स्टडीज चल रही हैं कि शायद कोरोना वायरस का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। तो वो सब पेशेंट्स जो कि लेफेनोनामाइड, मिथोट्रेक्सेट या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ऊपर हैं, वो प्लीज अपनी मेडिसिन को लेते रहिए। थर्ड कैटेगरी होती है बायोलॉजिक्स, और ये मेडिसिन जो होती हैं हमारी इम्यूनिटी को बहुत ड्रॉप करती हैं, तो अपने स्पेशलिस्ट से डिस्कस करिए। अगर आप बायोलॉजिक्स पे हैं तो उन मेडिसिन को टेपर डाउन करिए। तो इन अ ब्रॉड सेंस अगर मैं आर्थराइटिस की बात करूं तो आर्थराइटिस से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के हैं और ओल्ड एज के हैं तो आपके लिए अपना बचाव करना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप हायर रिस्क हैं, आप अपना प्रिवेंशन करेंगे, आप अपना बचाव करेंगे और अपनी मेडिसिंस को अपने स्पेशलिस्ट से पूछ के मॉडिफाई करेंगे। दूसरा आपने पूछा है कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, देखिए ऐसा है कि डायबिटीज में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत फॉल करती है। ऑल ओवर इट वर्ल्ड जो हाईएस्ट डेथ रेट है वो डायबिटीज में है। अगर हम बात करते हैं कि साधारण जनरल पॉपुलेशन में हमारा डेथ रेट 2% है, तो डायबिटिक पेशेंट्स में ये ऑलमोस्ट 8% है, 400% हायर है। सो क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में हमारी बॉडी इम्यूनिटी फॉल करती है, तो अपना डायबिटीज का कंट्रोल करिए, अपनी रेगुलर एक्टिविटी अपनी ऑन रखिए घर के दायरे के अंदर, और साथ ही साथ में
हम किसी भी तरह से अपने आप को एडिशनल क्राउड में जाके एक्सपोज नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं करना चाहते। श्रीनिवासन जी का सवाल है, व्हाट कैन वी डू इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस। सो सिन्हा जी, हम इस समय कोई भी प्लान्ड यानी इलेक्टिव सर्जरी बिल्कुल रन थ्रू नहीं कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, हम कोई नी रिप्लेसमेंट्स को हैंडल नहीं कर रहे हैं। हम इस समय ऑर्थोपेडिक्स में सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज, तो सिर्फ एक जॉइंट रिप्लेसमेंट है, वो है अगर किसी का बॉल हिप फ्रैक्चर हो जाए तो उसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट करके, जो कि इमरजेंसी सर्जरी है विद ऑल प्रिकॉशंस फॉर अस एज वेल एज आवर स्टाफ, वो कर रहे हैं। लेकिन हम इस समय, क्योंकि ये नहीं जानते कि कैरियर पेशेंट कौन सा है जो नॉर्मल दिखता है या स्टाफ कौन सा इन्वॉल्व है, तो किसी भी तरह की नॉर्मल प्लांट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट को हम अवॉइड कर रहे हैं। भाटी जी का एक सवाल है कि कार्डियक पेशेंट्स। हाँ जी भाटी जी, हमारे इंडिया में हम सब जानते हैं कि हमारे में जो हार्ट डिजीज है वो ग्लोबल के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से 10 साल जल्दी आती है। दैट मींस वी हैव हाइपरटेंशन, वी हैव हार्ट डिजीजेस डेवलपिंग 10 इयर्स अर्लियर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इसी के साथ साथ जो हमारा रिस्क फैक्टर जिसमें हाईएस्ट डेथ रेट है वर्ल्ड में, वो कार्डिक पेशेंट्स हैं। तो कार्डिक पेशेंट्स में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की और उसकी कॉम्प्लिकेशन आने की चांसेस काफी ज्यादा है। तो सभी कार्डिक पेशेंट्स अपना कार्डिक ट्रीटमेंट प्रॉपर फॉलो अप करें, अपने आप को लॉकडाउन में रखें। नहीं, लॉकडाउन से एक और चीज आप सबको बहुत क्लियर करना चाहूंगा। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ मीडिया में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बिटवीन व्हाट इज अ लॉकडाउन एंड व्हाट इज अ कर्फ्यू। लॉकडाउन इज अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अ कर्फ्यू, लेकिन इसके अंदर हम एसेंशियल सर्विसेज को ओपन रखते हैं। तो यानी कि एसेंशियल सर्विस मींस लाइक हेल्थ केयर है, आपका बैंकिंग है, आपका नॉर्मल ग्रोसरी है। ऑल दो हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग स्टेप्स यानी कि डिस्टेंसिंग ऑफ 1 मीटर, नॉट टू हैव अ क्राउड कॉन्वर्सेशन, इन सब चीजों को मेंटेन और सस्टेन रखेंगे। अन्ना जी का है, इज हेडेक आल्सो अ सिम्टम ऑफ कोरोना। हेडेक डायरेक्टली सिम्टम नहीं है, पर अगर आपको फीवर हो अनमोल जी और साथ साथ में आपको बाकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हेडेक कैन बी वन ऑफ द एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स इन अ कोरोना वायरस। एंड एक्सेप्शनली आप साथ में देखिए, आपको फीवर तो नहीं आ रहा है, साथ में इस चीज का ध्यान रखें। विकी जी का है, इफ अ पर्सन टचेस हिज और ओन माउथ बाय मिस्टेक और अनोइंगली जस्ट आफ्टर मीटिंग और ट्रीटिंग समवन, उस सब में आपको पता है कि अगर आपने एक्सीडेंटली टच कर लिया तो बिल्कुल आप अपने माउथ को या अपने नोज को टच नहीं करिए। इमीडिएटली जाके सोप एंड वाटर बाथ लीजिए, अपने हैंड वॉशिंग करिए विद गुड अमाउंट ऑफ सोप एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स, एक सैनिटाइजर को यूज करिए, और यदि आपने माउथ को टच कर लिया है तो आप गागल्स डेफिनेटली करिए, माउथ वॉश यूज करिए, बीटाडीन गागल्स यूज करिए। तो एनी सॉर्ट ऑफ एसेप्सिस और इन्फेक्शन कंट्रोल पैरामीटर्स जो कि आप वायरल इन्फेक्शन में लेते हैं अपने, ताकि वायरस हमारे लंग्स तक नहीं जाए। कोरोना वायरस जो है, इसकी बेहतर कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये हमारे लंग्स में एल्वियोलर सेल्स होते हैं उसमें जाता है और उसमें रैपिड स्पीड से मल्टीप्लाई करता है और ग्रेजुअली हमारे लंग्स को टोटल कोलैप्स और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है। इसलिए सबसे बड़ी जो समस्या इन सब में आती है वो है डिस्निया, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और इसीलिए हम जब देखते हैं कि हमारे ऑल ओवर सारे वर्ल्ड हॉस्पिटल्स वेंटिलेटर्स को ढूंढ रहे हैं, वेंटिलेशन इज एन आर्टिफिशियल वे टू पंप इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, क्योंकि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्रॉप कर जाती है, तो उस समय हम सब ये पैरामीटर्स को रन करते हैं। कल्पना जी का सवाल है, डज आर्थराइटिस हैज एनीथिंग टू डू विद द फैमिली हिस्ट्री आल्सो, कैन इट बी क्योर। यस कल्पना जी, आर्थराइटिस हैज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि जैसे मान लीजिए एक मदर को है, उसकी बेटी को, उसकी सिस्टर्स को ये चीज आने की टेंडेंसी ज्यादा है, इट रन इन फैमिलीज। आर्थराइटिस कैन नॉट बी क्योर्ड, बट यस आर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और आर्थराइटिस कैन बी डिलेड। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वी कैन डू अ टाइम बाइंग पैरामीटर्स। अगर हमें मालूम है कि हमारी फैमिली में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आर्थराइटिस आने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उन सब केसेस में हम बिगनिंग से ही अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, हम रिच लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, हम अपना वेट कंट्रोल में रखेंगे, हम एक्सरसाइजेस करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइजेस। इवन फॉर कोरोना, बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये वाला डॉक्टर साहब, हम लॉकडाउन में हम ऐसी क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि हम उसमें रहें, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो अगर तो आप बड़े घर में रहते हैं तो अपने घर के गार्डन में, ड्राइवे में वॉक कर सकते हैं, घर के दायरे में वॉक कर सकते हैं।
अगर आप गार्डेड गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं तो चूज एन और टाइम जहां पर लोग बाहर नहीं हैं और आप डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी कम्युनिटी में अपने उस गेट बैरिकेडेड सिस्टम के अंदर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग वॉक एज पर कंफर्ट जोन कर सकते हैं। पर यदि आप किसी फ्लैट में ऐसी जगह पे हैं जहां पर बाहर आपको लगता है क्राउडिंग ज्यादा है तो उन सब केसेस में आप अपने घर के अंदर मोबिलाइज करिए। यू कैन हैव अ स्टैटिक बाइसिकल एंड इफ यू हैव इट तो आप स्टैटिक साइकिलिंग करिए एट स्लो स्पीड एंड लो रेजिस्टेंस। साइकिलिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। स्टेयर क्लाइंबिंग्स अगर आपको आर्थराइटिस है तो आप अवॉइड करेंगे, लेकिन हाँ एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस को अपने लाइफ टाइम में रखिए। इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको योगा करने का शौक है या किसी भी तरह का व्यायाम करते हैं तो आप उसको आप कंटिन्यू रखिए, आपको किसी भी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है। एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस इज गोइंग टू बी गुड फॉर योर बॉडी और आपकी नॉर्मली ये चीज को प्रिवेंट करेगी। कपिल जी का सवाल है, आर अदर डिजीजेस लाइक डायबिटीज लिंक्ड टू आर्थराइटिस? यस कपिल जी, मैंने आपको बताया कि जो एक चीज होती है इसे कहते हैं CFR, केस फेटेलिटी रेशियो, यानी कि जिन केसेस में डेथ रेट बहुत ज्यादा है वो सब चीजें हैं एडवांस स्टेज, उसमें आपका डायबिटीज, उसमें आपका हार्ट डिजीज, उसमें आपका स्टीरॉयड डिपेंडेंट, या जो पेशेंट जिनमें सब में HIV, जिन सब केसेस में हमारी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी यानी कि इम्यूनिटी लो है, और वो सब केसेस जिसके अंदर हम समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुई तो आपकी बॉडी की जो फाइटिंग अपने पैरामीटर्स हैं वो लो हैं और आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अभिषेक जी का है, हेलो डॉक्टर, फैमिली मेंबर हैड अ नी सर्जरी रिसेंटली, दे आर इंडोर्स ओनली बट ऑन बेड रेस्ट, अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन इज देयर एनी प्रिकॉशन टू टेक और सिम्टम्स टू लुक आउट? ऐसा है कि जी जिसकी रिसेंट नी सर्जरी है हमारे सब पेशेंट्स हैं और वहां तक अगर मान लीजिए फिर सर्विस नहीं पहुंच पा रहा, फर्स्ट स्टेज पे तो नॉर्मली आपके सर्जन ने आप सबको एक्सरसाइज चार्ट दिए होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपके पास वो चार्ट्स नहीं है तो यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट्स elite-ortho-india.in, आई रिपीट ELITE elite-ortho-india.in, आपको सारे एक्सरसाइज चार्ट्स मिल जाएंगे जो आपके डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और वो एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्पलाइन कोई भी हेल्प चाहिए तो एक हेल्पलाइन नंबर है 8696-8696, तो ये आपको व्हाट्सएप कर देंगे वो एक्सरसाइज चार्ट्स जिसको कि आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। हर पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई हुई है उसे एक्सरसाइजेस करनी है, अब उनके फैमिली मेंबर्स को उस चीज में प्रोएक्टिव होकर हेल्प करना है, हम आपको चार्ट्स या वो सब चीजों की गाइडेंस दे देंगे जो तो कि आप उनको रेगुलरली करिए। सुशील जी का, कैन बी अलाउ चिल्ड्रन टू राइड बाइसिकल्स और डू स्किपिंग इन द प्लेग्राउंड आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशंस? ठीक है सर, ऑल दो हम ये सब जानते हैं कि ओल्ड एज में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, बट स्टिल बहुत सारी डेथ्स यंग एज के भी हुई हैं, तो हम जितना पॉसिबल हो बच्चों को इस इन्फेक्शन से उस प्रीडिस्पोजिशन से बचा कर रखें तो उतना बेटर है। तो इसलिए एनी एक्टिविटी, एनी आउटडोर एक्टिविटी सुशीन जी विच प्रीडिस्पोजेस अस टू अ हायर इन्फेक्शन और अ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैज टू बी स्टॉप्ड। इजाज़ जी का है, डॉक्टर डू यू एंडोर्स दोज हार्मोन रेमेडीज फ्लोटिंग इन सोशल मीडिया, ड्रिंकिंग वार्म वाटर, टी फ्रिक्वेंट? इस पर मैं बताऊंगा, अल्टीमेटली आई वेंट थ्रू मीडिया एंड अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स एवरी डे, बहुत सारे मिथ्स बहुत सारे वहम जिसे कहते हैं सोसाइटी में है। मैं सबसे पहला शुरू होऊंगा, लोगों को लगता है सैनिटाइजर अच्छा है इसलिए बिकॉज में एल्कोहल रेट ज्यादा है तो मैं अगर एल्कोहल ज्यादा पीऊंगा तो मेरे को इन्फेक्शन नहीं होगी, तो they have been sort of cheating over, excessive alcohol intake will prevent me from developing coronavirus. Absolutely wrong. Alcohol आपकी जो है सिर्फ स्लीप साइकिल में हेल्प करेगा बट अदरवाइज आपकी इम्यूनिटी और ट्रांसमिशन में कोई हेल्प नहीं करेगा, तो एनी अमाउंट ऑफ एल्कोहल इनटेक इज नॉट गुड फॉर यू। इसके अलावा ये हुआ कि वायरस जो है वो हॉट एरिया में मल्टीप्लाई नहीं करता, तो हम तो इंडिया में रहते हैं जी, हमारे यहाँ तो गर्मी है, हमें इन्फेक्शन आने की टेंडेंसी लो है, अगेन रॉन्ग। बहुत सारे कंट्रीज जो है जहां पर हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन मिली है देवर हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, वहां पर भी इन्फेक्शन उसी पैटर्न पे रही है। दूसरा, हम सारा टाइम धूप में नहीं रहते, हम तब भी रूम्स में आते हैं, एयर कंडीशन क्लोज एनवायरमेंट पे रहते हैं, तो इन सब कंडीशन में हम लोग हायर प्रीडिस्पोजिशन टू इन्फेक्शन है। रिच डाइट, विटामिन सी इनटेक, प्रोबायोटिक्स इनटेक, योगर्ट इनटेक, डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करती हैं। डेफिनेटली कोई डायरेक्ट अभी मेडिकल साइंस प्रूवन तो नहीं है, पर ये सब चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बॉडी इम्यूनिटी को एनहांस करने में। हैव अ गुड स्लीप, 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप,
सेकेंड जो पैरामीटर इसमें आता है कि मैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टी लेंगे तो उसमें प्रिवेंशन होगी, कोई चाय ज्यादा पीने से भी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन नहीं होता है। आप रेगुलर जिंक इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स को ले सकते हैं, वो सब चीजें आपको शायद हेल्प करेगी बॉडी इम्यूनिटी के लिए। सो जैसे कि वरुण जी आपका है, इज इट ट्रू दैट मेजोरिटी केसेस इन इंडिया विल बी माइल्ड सिम्टम्स दैट विल गेट करेक्टेड नॉर्मली एट होम? यस पारुल जी, व्हेन आई स्पीक अबाउट कोरोना वायरस आई विल से देयर इज वन गुड न्यूज एंड देयर इज वन बैड न्यूज। द बैड न्यूज इज दैट इन 2% केसेस इट कैन लीड टू डेथ। द गुड न्यूज इज यस 98% केसेस में इवन इफ यू हैव कोरोना वायरस पॉजिटिव यू विल वॉक ऑफ कंफर्टेबली। आप फ्रॉम अ सिंपल क्वारंटाइन और आइसोलेशन सिस्टम्स और डेफिनेटली गुड हेल्थी लाइफस्टाइल प्रिवेंशन से लेकर डिफरेंट मेडिकल बैकअप्स पे जाएंगे तो 98% लोगों को बचाया जा सकता है। इट्स ओनली द डेथ रेट इज अराउंड 2% और वो भी हाई एडवांस एज ग्रुप पॉपुलेशन पीपल विद लो इम्यूनिटी, इन सब केसेस में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। एंड इफ यू आर हैविंग माइल्ड सिम्टम्स लाइक फीवर एंड ऑल देर इज 98% प्रोबेबिलिटी यू विल वॉक ऑफ इट विनिंगली कंफर्टेबल। अंकिता जी का है, व्हाट जॉइंट केयर शुड आई टेक एट होम ड्यूरिंग दीज टाइम्स इफ लॉकडाउन? तो अंकिता जी, व्हाट जॉइंट केयर यू कैन टेक इज, जैसा मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइजेस अपनी कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा एनी एक्टिविटी दैट एग्रेवेट्स योर आर्थराइटिस, यानी कि जैसे कि पैरों के बाहर जमीन पर बैठना, आपकी एक्सेसिव स्टेट क्लाइंबिंग करना, आप उन सब चीजों को अवॉइड करिए। जैसे कि स्नेह जी क्वेश्चन है कि हम फ्लोर क्लीनिंग कर सकते हैं, किसी भी आर्थराइटिस पेशेंट के लिए क्लीनिंग इज नॉट रॉन्ग बट द वे यू डू द क्लीनिंग इज इम्पॉर्टेंट। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं जमीन पर बैठकर आप ग्रूमिंग या पोछे लगाएंगे तो दैट्स अ रॉन्ग स्टेप। आप स्टैंडिंग ब्रूम्स को यूज करिए, स्टैंडिंग वाइपर्स को यूज करिए, डेफिनेटली यू कैन बी एक्टिव, बट एनीथिंग दैट रिक्वायर्स यू टू सिट ऑन द फ्लोर और सिट क्रॉस लेग, यानी कि कोई एक्टिविटीज जो कि आपको पैरों के बाहर बैठना या आलती पालती मारकर बैठने के लिए कर रही है, तो आपको समझना है आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस वो है जिससे हमारे बोन का ऊपर का सरफेस रफ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इट्स लाइक अ सैंड पेपर, यू रफ सैंड पेपर एनी वेयर यू विल कॉज अ लॉस एंड डिस्कम्फर्ट। तो अगर हमारा बोन का ऊपर का सरफेस रफ है और उसको हम कहीं भी बैठ के स्क्रैच करेंगे, यानी कि नीचे पैरों के बाहर बैठकर उठेंगे, आलती पालती मारेंगे, तो इन सब केसेस में हमारा जो पेन स्कोर्स है, जो आर्थराइटिस है, वो इंक्रीज करेगा। तो अपनी एक्टिविटीज क्लीनिंग ग्रूमिंग जरूर करिए, लेकिन उसको मॉडिफाई करिए, स्टैंडिंग ब्रूम्स को यूज करिए, स्टैंडिंग वाइपर्स को यूज करिए। गुरुदीप का है, इट इज एडवाइजेबल फॉर एनी इलेक्टिव सर्जरीज इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन? आई वुड सजेस्ट एंड द WHO एंड ऑल मेडिकल अथॉरिटीज सजेस्ट दैट इलेक्टिव यानी कि प्लान सर्जरीज शुड बी एज फार एज पॉसिबल अवॉइडेड। एट द सेम टाइम इफ समबडी रिक्वायर्स एन इमरजेंसी सर्जरी विच इज अ लाइफ सेविंग सर्जरी, या किसी की डिलीवरी है या किसी की कोई कैंसर सर्जरी है, आप उन सब सर्जरीज को करिए और उसमें प्रिवेंशन को ध्यान रखते हुए कि आपके हेल्थ केयर स्टाफ और बाकी चीजों को ये प्रॉब्लम नहीं हो। सैनी साहब का क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर रिटर्निंग बैक टू एक्टिव लाइफस्टाइल आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एनी लाइफस्टाइल चेंजेस? तो सैनी साहब, मेडिकल साइंस एक बहुत ज्यादा एवोल्यूशन में है एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ दैट इंडिया में मेजॉरिटी लॉन्चेस इन नी रिप्लेसमेंट इन द लास्ट 10 ईयर्स आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू रन इट फॉर इट। बट टेक्नोलॉजी एक एवर इन्वॉल्विंग वर्ल्ड है। जैसे हमारा पुराना टीवी सिस्टम होता था, उससे हम गए LCD पे, प्लाज्मा पे, LED पे, आज OLED पे। इसी तरह से टेक्नोलॉजीज मॉडिफाई होती हैं। आज हम रन करते हैं फीफो सिस्टम। फीफो मींस फास्ट इन फास्ट आउट। फीफो सिस्टम में यही सर्जरी जिसमें हम कई दिनों के बाद पेशेंट को एक्टिवेट करते थे, इसमें हमारी सर्जरी जो है 15 मिनट से भी शॉर्ट, कम से बिटवीन 10 to 15 मिनट्स में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। फीफो कॉन्सेप्ट को द्वारा करने से पेशेंट की, क्योंकि कटिंग बहुत कम है, उनकी ब्लड रिक्वायरमेंट बहुत लो है, उनकी सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग, मांसपेशियों की हीलिंग बहुत फास्ट है, इसलिए वो सारे पैरामीटर्स करने के साथ हम उन पेशेंट्स को अगले 3 घंटे में चलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि किसी की सर्जरी हुई, 15 मिनट्स में उसका सर्जिकल सेट हुआ, 3 आवर्स में पेशेंट चलना शुरू हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो टॉयलेट सीट पे जा सकता है, वो रूम के बाहर जा सकता है, वो कुछ स्टेयर क्लाइंबिंग स्टेप्स ले सकते हैं, सेकेंड डे वो रूम के बाहर एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट एंड द मोटिवेशन लेवल ऑफ द पेशेंट, हम 2 या 3 या 4 दिन के अंदर उन सब पेशेंट्स को उनके घर भेज देते हैं।
जो लाइफस्टाइल चेंजेस आपने पूछे वो अगेन एक टेक्निक है, वो एक पैरामीटर है विच इज अ बिगर आंसर। अब अगर हम लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट इम्प्लांट सिस्टम्स को ध्यान में रखें तो आज की डेट में हम जैसे स्पोर्ट्स मॉडल की बात करते हैं उस तरह से वी हैव स्पेशल इम्प्लांट विच गिव अस अ ह्यूज डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी माने दे गिव अस अ बेंडिंग ऑफ मोर देन 120 डिग्रीज। तो वो सारी लाइफस्टाइल चीजें जैसे कि मुझे गोल्फ खेलना है, मुझे स्विमिंग करनी है, मुझे हिल्स पे जाना है, मुझे डांस करना है, मुझे माइल्ड स्पोर्ट्स करना है, मुझे साइकिलिंग करनी है, मुझे फास्ट ब्रिस्क वॉक करनी है, एवरीथिंग द आंसर इज यस। यू कैन लिव योर लाइफ लाइक अदर्स एंड आई वुड से इट इज समथिंग लाइक यू कैन से दूसरा बचपन, सेकेंड एक्टिविटी बैक टू लाइफ यू कैन डू इट। सिर्फ जो चीजें हम आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अवॉइड करने को मना करते हैं, द स्ट्रिक्ट नो इज एनी सॉर्ट ऑफ रनिंग एंड जंपिंग एक्टिविटीज विच मीन्स इम्पैक्ट स्पोर्ट्स। जैसे मैं बैठ के वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या फुटबॉल नहीं खेलेंगे, अग्रेसिव स्पोर्ट्स को आप अवॉइड करेंगे, आप सड़कों पर रनिंग नहीं करेंगे, बट यस आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ये सब एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो थैंक्स टू द न्यू सिस्टम्स लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लांट्स, लॉन्ग लाइफ सिस्टम्स, थैंक्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक फीफो एंड ऑल दोस कंप्यूटर बायोटेक एंड रोबोटिक्स हैबिट आज द आर्म, हम इन सब न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ आज पेशेंट्स की लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर चुके हैं। एंड आई वुड से अगर किसी पेशेंट को नी प्रॉब्लम है और उन्हें डर लगता है तो एज अ ब्रॉड मैसेज मैं उन सबको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपका सर्जन उस सर्जरी करने के लिए ट्रेंड है, यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, यदि आप गुड क्वालिटी इम्प्लांट्स और सुपर क्लीन एनवायरमेंट को यूज करते हैं तो आज की डेट में यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक 99.5% पॉजिटिव रिजल्ट्स। आई वुड से द अदर वे अराउंड, समबडी हैज टू बी अनलकी, कोई बदसीब चाहिए ना चाहता। सो एंजॉय दिस पैरामीटर, इट इज नॉट गोइंग टू ट्रबल यू। इकी का सेशन फॉर वन ऑफ द डायग्नोसिस एज एक्यूट लिकीमिया 2 डेज बैक, एक ऐसा कि जी लिकीमिया हो या कैंसर हो या एचआईवी हो या पेशेंट को डायलिसिस वाला हो, एक मोटी सी बात को याद रखिए, जिस जिस प्रॉब्लम में आपकी बॉडी इम्यूनिटी पैरामीटर्स लो है, आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जहां पे आपकी बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी लो है, आप में कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा है, और कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से कम है, उसके साथ साथ जैसे आप बीमार होंगे आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा है। दैट मीन जितनी डेथ्स हुई हैं वो एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह, कोरोना वायरस ने तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसके बाद उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई या उनकी मान लीजिए किडनी फेल कर गई, लंग्स फेल कर गए, तो मेजोरिटी डेथ्स वर्ल्ड में इन चीजों की वजह से हुई है। तो हम ज्यादा परेशान ओल्ड एज ग्रुप में इसलिए है कि जैसे ही इट इज लाइक अ पेंडोरास बॉक्स एज वी ऑलवेज से, वो सब ओल्ड एज के लोग एक लो इम्यूनिटी में, वो सब ओल्ड एज के लोग उनको 1, 2, 3, 4 और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पहले से हैं। यदि हमने उनको एक हॉस्पिटल साइकिल में इन्वॉल्व करा और उनका फर्स्ट स्टेज को हमने सही समय पर डायग्नोज नहीं करा तो वो एक बिगर बॉम्ब बन जाएगा जो कि ब्लास्ट होके और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आएगा। तो हमें सबको इस चीज से बचना है, उस चीज को बचाना है। तो प्रियंका जी का है, इज अ पेशेंट मोर प्रोन टू कोविड-19 इफ ही हैज अ नी सर्जरी शेड्यूल। प्रियंका जी, शेड्यूलिंग ऑफ नी सर्जरी या आर्थराइटिस किसी भी पेशेंट को कोरोना की प्रॉब्लम के लिए ज्यादा प्रेडिस्पोज नहीं करता है। सो अगर किसी को मान लीजिए आज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसकी नी प्रॉब्लम थी या उसकी सर्जरी प्लान थी, जैसे एग्जाम्पल जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये लॉकडाउन अनाउंस करा, आई हैड ऑलरेडी 200 सर्जरीज फिक्स्ड अप इन द नेक्स्ट से 10-12 डेज, वो सब सर्जरीज को हमने पोस्टपोन करा। हम सब उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि घर पे वो अपना ख्याल कैसे रखें, वो किस तरह से लिमिटेड यूज ऑफ पेन किलर्स करें, किस तरह से वो अपनी सिंपल एक्सरसाइजेस घर पे करें, किस तरह से अपने एक्टिव लाइफस्टाइल और डाइटरी पैरामीटर्स को लेके आए ताकि उनकी पेन प्रॉब्लम ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर बैठे उनको कोविड का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कोविड की प्रॉब्लम उन सब में आने की टेंडेंसी नहीं है। और क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम उन सबको इस समय एक एडिशनल रिस्क पर डिस्पोज करें जब तक हमें क्लैरिटी नहीं होती है, तो इसलिए हम कोई भी शेड्यूल्ड प्लान सर्जरीज को अवॉइड कर रहे हैं। सो मोगा साहब का एक सवाल है, इस कोविड-19 लिंक्ड विद प्रेगनेंसी दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज। बहुत अच्छा सवाल है मोगा साहब। मेडिकल साइंस पर से हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव दिस पॉइंट दैट ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी यू कैन हैव मोर कॉम्प्लिकेशंस इफ यू कैन हैव अ कोरोना, या आपके नेक्स्ट इशू जो डिलीवरी होगी उसमें कोरोना पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ कहीं प्रूव अभी तक नहीं हो पाया है। बट यस, एनीथिंग टू एवरीथिंग इज पॉसिबल।
So what we are advising across for everybody is, A, if you require an emergency gynae surgery, please take all due precautions for that patient. Agar small issue hai, although a newborn baby mein tendency to bahut low hai, but still aap usme prevent karenge, aap usko kisi bhi had tak family ke groups ke cluster ke andar leke nahi jayenge, aap usko isolate karenge taki wo ek risky crowded environment pe nahi jaye aur us cheez ko prevent kar sake. Rohit ka aaya ke vitamin D deficiency during COVID-19. देखिए ऐसा है कि हम क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हैं, हमारा सनलाइट एक्सपोजर जो कि विटामिन डी के लिए हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो शायद हमें नॉर्मली नहीं मिल पा रहा. बिकॉज एवरीबॉडी डजंट हैव एक्सेस टू ह्यूज पैलेशियल हाउसेस वेयर योर सनलाइट कमिंग टू इनसाइड योर हाउस. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सनलाइट एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हैं, आपकी बॉडी में नेचुरल विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है, सो यू विल हैव एन एड ऑन ईदर थ्रू योर डाइट, दैट मींस विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड्स, और आप विटामिन डी की टैबलेट्स ले सकते हैं जो कि टैबलेट आती है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वंस अ वीक टू बी टेकन अप. तो अब यदि हम ये मानते हैं कि अभी ये शायद आई डोंट नो बट इट्स अभी हम अप्रैल 15 के बाद भी हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड होगा और हम कुछ वीक्स के लिए और घर के अंदर लॉक होंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि जो जो लोग हाईली प्रोन हैं या वो जानते हैं कि उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो वो इन सब मेडिसिन को वंस अ वीक 60,000 यूनिट की टैबलेट ले सकते हैं, उसकी कोई डाउनसाइड नहीं है. और इसी के साथ साथ कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें और रिस्क फैक्टर्स क्या है. तो दोस्तों रिस्क फैक्टर्स जैसे हमने समराइज करा, एडवांस एज, मैं वापस बता रहा हूं, एडवांस एज, डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि शुगर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, कार्डियक पेशेंट्स, वो सब पेशेंट्स जो कि लो इम्यूनिटी पे हैं, यानी कि डायलिसिस पेशेंट्स, एचआईवी पेशेंट्स, वो सब पेशेंट्स जो ऐसी मेडिसिंस ले रहे हैं जैसे कि रूमेटॉइड या किसी के लिए जहां पर बायोलॉजिक्स इन्वॉल्व हैं जो कि बॉडी इम्यूनिटी को लो करते हैं, ये सब पेशेंट्स एक बिगर हाई रिस्क स्पेक्ट्रम में है. तो इन्हें अपना बहुत ध्यान रखना है, इन्हें सारी हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि कफिंग हाइजीन, उसका ध्यान रखना है. अगर कोई भी इंसान स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो उससे दूर रहना है. इसी के साथ साथ मैं एक और पॉइंट को रेज करूंगा जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, यूज ऑफ मास्क. तो यदि तो आप 1 मीटर के दायरे के दूर हैं तो आपको किसी मास्क की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई इंसान शायद पॉजिटिव है या वो कॉफ कर रहा है, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल कन्वेंशनल मास्क जो मार्केट में मिलता है आप उसको यूज करिए, दैट विल सर्व योर पर्पस. थर्ड स्टेप है वो सब पेशेंट्स जो कि हम जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि हम हाईली कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच बैठे हैं और उनकी एफर्ट्स करने में उसे उम्मीद है वो हमारे फेस पे डायरेक्टली कॉफ कर सकता है, स्नीज कर सकता है, हम सबके लिए स्पेशल N95 मास्क होते हैं या PPE डिस्क होती हैं जो हम उसको यूज करते हैं. तो दोस्तों इन सब पे आपको प्रिवेंशन पे ध्यान रखना है, बस ये चीज करनी है. और ये सब कुछ समराइज करते हुए आप कभी भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमें elite.orthoindia.in पे रीच कर सकते हैं, या जैसे मैंने आपको नंबर बोला है 8699686996 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप और एनी पैरामीटर्स. हम इस समय अपने पारस हॉस्पिटल और बाकी सब सेटअप्स पे टेलीमेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपके जितने भी सवाल हो या अपने डॉक्टर के आज एक्टिवली आप नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारी टेलीमेडिसिन एप्स हैं जिस द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं और हम आपकी वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा आपको सारा का सारा गाइड, एक्सरसाइजेस, वो सब चीजें कराएंगे. सो बिफोर आई एंड अप, मैं कल ही हंस रहा था, मुझे लगता है कि हमारी मूवीज को देखते हुए मुझे लगता है कि ऋषि कपूर जी को 40 साल के बाद अपनी मूवी के सॉन्ग का मतलब समझ लगा होगा. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो. तो आप मान लीजिए 45 ईयर्स के बाद वो सिचुएशन आई है कि हम सब एक कमरे में बंद हैं, हम सब लॉकडाउन देख रहे हैं और हम सब ये सवाल इस समय डॉक्टर से पूछ रहे हैं, यदि ऐसा हो तो मैं क्या करूं, यदि ऐसा हो तो मैं क्या करूं. तो फ्रेंड्स, टू समराइज, प्लीज स्टे इनसाइड योर हाउस, प्लीज रिस्पेक्ट लॉकडाउन विच इज गिवन अक्रॉस टू यू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड रिमेंबर ब्रेकिंग द चेन ऑफ कोरोना वायरस इज आवर एम. So friends, take care of yourself and wishing best for all of you from Dr. Manoj Vadva. Thank you so much.